गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने आपको रजिस्टर नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर और नंबर्स के बारे में समझाया था। अब देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चले। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए जीरो और रजिस्टर नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इज जीरो रजिस्टर नंबर? क्या जीरो रजिस्टर नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म p/2? क्या आप इसको p/2 फॉर्म में लिख सकते हैं? वेल, p एंड q आर इंटीजर्स एंड बट यू नॉट इक्वल जीरो। बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे आपको क्या पूछा जा रहा है कि क्या जीरो रजिस्टर नंबर है, और अगर यस तो क्या उसको p/2 फॉर्म में आप लिख सकते हैं? देखिए रेस्टर नंबर का जो डेफिनेशन बताया था उसमें एग्जांपल दिया था कि जीरो को हम रेस्टर नंबर में लिख सकते हैं, उसका एग्जांपल देकर भी मैंने समझाया था। ठीक है, तो आपको मैं इसका रिवाइज में वापस से इस क्वेश्चन को दिखा रहा हूं। देखिए कि जीरो रेस्टर नंबर है, यस, तो आप कहेंगे जीरो इज ए रेस्टर नंबर। जीरो क्या है? जीरो इज ए रजिस्टर नंबर, यस। क्या बताएंगे आप? यस यस, जीरो इज ए रजिस्टर नंबर। अब इसका एग्जांपल भी बताओ। देखो कैसे जीरो, जीरो को आप क्या इसको बताए p/2 फॉर्म में लिखिए, तो क्या करेंगे? जीरो बाय वन। अब वन से डिवाइड करेंगे, इसी नंबर का जीरो से डिवाइड करने पे रिजल्ट क्या मिलता है? इटसेल्फ नंबर, वही नंबर मिलेगा। समझ गए होंगे? देखो, या आप जीरो को ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइव का जीरो से डिवाइड करो क्या आएगा? तो जीरो को हम p/2 फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो आप ऐसे एग्जांपल दिखा सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब यहाँ पे इसको p/2 फॉर्म, मतलब ये न्यूमरेटर है, इसको हम पी और डिनोमिनेटर के लिए को टू दिखा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिखाया है आपको कि q नॉट इक्वल 0, q नॉट इक्वल 0 मतलब q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है क्या 0 को रजिस्टर नंबर लिख सकते हैं? यस, तो 0 इज ए रजिस्टर नंबर। फिर आपको इसका एग्जांपल बताना है। ठीक है, तो हमने ये एग्जांपल दे दिया और p और q क्या है? इंटीजर, वेयर where p and q are integer, p और q क्या है? integer, but q not equal 0, ये क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है। ठीक है, इस तरह हम एग्जाम्पल ले सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं 0 equal 0 by 42, इसका ऐसे डिवाइड करेंगे तो वापस 0 हो जाएगा, ये ठीक और ये की वैल्यू होगी। आप कोई भी एग्जांपल इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह हमें फाइंड सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो नंबर बिटवीन, अब आपको बिटवीन रेशियो नंबर निकालना है। ठीक है, देखिए
ये 4 5 6 7 8। तो बच्चों जैसे ये 7.2 हटा दिया, क्या देखा आपने क्वेश्चन में 7.2 गलत पॉइंट राइट है, जो टेन इक्वल पार्ट वन का टेन इक्वल पार्ट इसे जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को लेंगे तो 10 लिमिट हो गया ना। इसी तरह हमें इसके जैसे स्केल सपोज ठीक है, तो हमने इसे समझ सकते हैं। अब जैसे ये 6 है ये 7 है, 7.2 कहां लिखा होगा आप देखो ये 7 1 2 3 4 ये 5 वाले को 5 6 7 8 9 10 ये 8 सेंटीमीटर है ठीक है। अब आप 7.2 दिखाइए, तो 7 मतलब ये 7 2 मिलीमीटर 1 2 ठीक है। तो आपका यहां पे क्या आएगा 7.2 समझ गए, और ये पॉइंट आपका 1 ही रहेगा। समझ गए बच्चों, तो 7.2 का होगा पता लग गया आपको, इस तरह हम अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। और देखिए जैसे -3/2 अब इसको दिखाएं, देखो -3/2 कैसे होगा, ये 0 1 2 3 यहां पे -1 -2 -3 -0 2 तो इसके एक 1 के 2 इक्वल पार्ट, तो जैसे सब एक से डिवाइड करते हैं 5 और इसी हो जाएगा ठीक है। अब ये क्या -3/2 है, तो आपकी नंबर -3/2 हम यहां शो करेंगे नंबर 9 पे, समझ लो क्या बहुत इजी, आपका जितना डिफरेंट है उतना उस नंबर के नीचे बाय लगा देना, तो वो नंबर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, समझ गए ओके। इस तरह हम नंबर 9 पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मैंने क्या किया रिप्रेजेंट ऑन नंबर 9, रिप्रेजेंट ऑन नंबर 9
क्या होगा ये 1/20, कितना होगा ये 1/20। इस तरह और भी उसी मेथड से भी हम कर सकते हैं और यहाँ पे एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसी क्वेश्चन को इसमें अगर मैंने कुछ ले इसकी 2 या 3 रेशियो नंबर निकालिए तो भी आप इसका फाइंड कर सकते हैं रेशियो नंबर पहले। ठीक है, जितना पूछे उतना हम निकाल सकते हैं। जैसे देखो इसी को हम दूसरे मेथड से करेंगे कैसे रेस्टोरेंट में फाइंड करने के लिए 2 में थर्ड है। ठीक है, एक ये इसमें ओनली 1 रेस्टोरेंट में दिखा, अब ये न्यूमरेटर अलग अलग है, अगर रेस्टोरेंट में सेम होगा तो न्यूमरेटर से कंपैरिजन करके बता सकते हैं। अब यार सेम नहीं है, न्यूमरेटर डिफरेंट है, तो आप लिखोगे न्यूमरेटर को एलसीएम देखो न्यूमरेटर Denominators 2 and 5 LCM कितना होगा 10। समझ लो कि 2 और 5 का LCM ले लो, ये 2 और ये 5 आपको LCM निकालना आ रहा है 2 + 2 फिर आप इस 5 ले सही है तो आपका LCM कितना होगा, देखो ऐसे LCM निकाल दो 2 × 5 इस मल्टीपल का LCM, ये मैंने आपको LCM निकालना सिखाया। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल बनाएंगे, क्या बनाएंगे डिनोमिनेटर इक्वल बनाएंगे, जैसे -2/5 अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना बनाएंगे 10 एलसीएम के इक्वल, बिना 10 करने के लिए क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, तो 2 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए होंगे, 2 × 4 -4/10 एंड अब सेकंड का टेस्ट नंबर क्या है 1/2। अब यहां पे 10 करने 5 से करेंगे इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तभी 10 डिनोमिनेटर होगा, जितना डिनोमिनेटर है वो उसके इक्वल आपका डिनोमिनेटर एलसीएम जितना है 10, तो यहां पे 10 बनाना है, इसको 5 को 2 से करेंगे इसको 5 से करेंगे। ठीक है, तो 10 के हो जाएगा ये 5/10। अब यहां कंपैरिजन करो, इस देखो एलसीएम कितना 10, यहाँ पे 10 बनाना, तो इसको क्या करें 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके इस रेशियो नंबर में तो -4/10। अब सेकंड रेशियो नंबर 1/2 है, इसको 10 बनाएंगे एलसीएम की इक्वल, इसको 5 से करेंगे इक्वल, ये 5/10। अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो डिनोमिनेटर का सेम है, अब -4 और -5 के बीच की नंबर निकलेगी। ठीक है, ऐसे हम रेशियो नंबर बता सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में पे फाइंड रेशियो नंबर बिटवीन अब कितने, अगर वो 5 रेशियो नंबर पूछे या 1 रेशियो तो हम निकाल सकते हैं कैसे, देखो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे देखो इनके बीच तो आप बताएंगे देखो -4/10 -4/10 और 5/10 के बीच रेशियो नंबर देखो कितनी होगी, जैसे -4/10 एंड 5/10 बिटवीन रेशियो नंबर रेस्टल नंबर्स कौन कौन सी, देखो ये तो -4/10 इसको छोड़ दो क्या होगा नेक्स्ट -3/10 -2/10 फिर -1/10 फिर 0 फिर 0/10 ए 1/10 2/10 3/10 और आपके पास नंबर क्या है 5/10 का 3/10 4/10 और ये 5/10। ठीक है, इस आंसर पर बना लो, देखो इसका सिंपलेस्ट करो तो 2 × 2 = 2 5/10 कितने नंबर वापस आ जाएगी 5 × 5 = 5 1/2 की वैल्यू समझ के, ये तो 1/2 की वैल्यू और ये -2/10 5 की वैल्यू, तो इसके बीच कितने रेशनल नंबर है देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप। ठीक है, आपको मतलब कि पहले बिटवीन 5 रेशियो नंबर बताइए, बिटवीन 5 1, 2, 3, 4, 5 ये है, अगर बिटवीन 3 रेशियो नंबर बताओ तो 1, 2, 3। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है बिटवीन रेशियो नंबर, क्या है ये बिटवीन रेशियो नंबर। ठीक है, अगर यहाँ पूछ ले सपोज फाइंड फाइव रेशियो नंबर फाइव फाइंड
हाईएस्ट नंबर विटमिन हाईएस्ट नंबर। अगर आप क्वेश्चन बना के दे ये बताओ इसके बीच की पांच क्वेश्चन नंबर बताओ तो क्या होगी 1 2 3 4 5 ये आपका आंसर हो गया। यहां से समझ गए होंगे इस तरह अगर आप एक वन क्वेश्चन नंबर पूछे तो इन दोनों को a प्लस b बाई 2 वाले फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। तो आपको बच्चों एक बात याद रखना है जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो उसका एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर को इक्वल बना देंगे। ये मेथड है ठीक है। इस मेथड से आपके पेपर में क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है। आपके टू टाइप के क्वेश्चन है यहां। एक तो क्या है कंटीन्यूअस नंबर जैसे 1 और 2 के बीच की रेशियो बताओ एक तो वो मेथड है या 3 और 4 के बीच की बताओ ठीक है। डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कह दे 12/14 और 18/14 के बीच की नंबर बताओ और 13/14/15/16/17 और बाय 4 तो आप बता सकते हैं। लेकिन डिनोमिनेटर सेम है अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो उसके लिए हमें ऐसे लेना और फिर डिनोमिनेटर को इक्वलाइज इक्वल करके हम निकालेंगे। तो बच्चों आपको एक बात याद रखना है कि आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि गिवन टू रेशनल नंबर्स बिटवीन वी कैन फाइंड मेनी रेशनल नंबर्स ठीक है। इस तरह नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखिए। इसमें आंसर कुछ भी हो सकता है पर मेथड यही है ठीक है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है फाइंड सी क्वेश्चन नंबर बिटवीन 3 और 2 फाइंड 6 रेशनल नंबर नंबर बिटवीन 5-6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। बच्चों इसका मेथड अलग है। अब इस तरीके से जैसे 3 और 4 तो y1 कर लेंगे ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम है अब न्यूमरेटर से कंप्लीट करो 3 और 4 के बीच की कोई डिफरेंट नंबर नहीं होती है तो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे देखो इसे। इसके लिए अपने को एक बात याद रखना है क्या ध्यान रखना है कि हमें कितनी रेशनल नंबर पूछ रहा है 6 रेशनल नंबर ठीक है। तो 6 रेशनल नंबर के लिए हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है 6 रेशनल जितनी रेशनल नंबर पूछे उसमें प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 7 तो हमें डिनोमिनेटर इसका 7 बनाएंगे कितना बनाएंगे इसमें डिनोमिनेटर 7 बनाएंगे ठीक है। बच्चों अब इसके लिए देखो जैसे 3 तो 3 को क्या लिखोगे 3/1 अब यहां पे डिनोमिनेटर कितना बनाएंगे 7 इसको 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे ये क्या करेंगे 5 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4 तो वी राइट रेशनल नंबर्स 3 और 4 विद डिनोमिनेटर्स क्या करेंगे 6+1 जिस 7 बनाएंगे डिनोमिनेटर कितना करेंगे 7 ही इक्वल ठीक है। जितनी रेशनल नंबर पूछे उसमें प्लस 1 करके उतने इक्वल डिनोमिनेटर बनाएंगे देखो ये होगा 21/7। इसी तरह से एंड जैसे 4 अब 4 क्या लिखेंगे 4/1 अब इसमें भी 7 इक्वल बनाएंगे डिनोमिनेटर तो इसको भी 7 से इक्वल ये 28/7 अगर इसको सिंपलेस्ट 74 था वापस नंबर 73 था वापस नंबर मिल जाएगी आपको पता है। चलो अब इन दोनों के बीच की बिटवीन रेशनल नंबर तो डिनोमिनेटर सेम है 21 और 28 के बीच की नंबर बता सकते हो आप रेशनल नंबर 22/23/7/7 का करना देखो तो आप ये लिखेंगे 21/7 एंड 28/7 between 6 rational number 6 rational number क्या क्या हो सकता है
सेवन थ्री जा 21 ये नंबर मिल जाएगी, सेवन फोर जा 28 ये, तो मैंने इसका मतलब क्या, थ्री एंड फोर मीन सिक्स रेस्ट नंबर, क्या क्या होगा देखो, ये 21 बाय सेवन इसको आप छोड़ दीजिए, आगे क्या होगा 22 बाय सेवन, 23 बाय सेवन, 24 बाय सेवन, 25 बाय सेवन, 26 बाय सेवन और 28 बाय सेवन, आपको 21 बाय सेवन, 28 बाय सेवन के बीच की पूछना है बिल्डिंग की, उन दोनों को छोड़ दो, बिल्डिंग कितनी हुई देखो, 1 2 3 4 5 की हुई, कितनी हुई 5, कितना 5 रेस्ट नंबर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जितनी रेस्ट नंबर पूछे उसके अकॉर्डिंग हमें रेस्ट नंबर्स निकालेंगे। देखो समझने की बात को देखो, तो हम यहाँ पे अगर इससे भी देखो, तो हमें यहाँ पे कितनी रेस्ट नंबर पूछा था इस, देखो ये थ्री था, ये थ्री, तो थ्री इंटू सेवन रेस्ट नंबर, यहाँ पे रेस्ट नंबर फोर था, ठीक है, सिक्स की जगह सेवन, सिक्स प्लस सेवन में सेवन, ठीक है। अब इसके बीच की रेस्ट नंबर, ठीक है, ये आपके इसके बीच की रेस्ट नंबर, 1 2 3 4 5 बोले ये आपके फाइव रेस्ट नंबर है, कितनी फाइव रेस्ट नंबर, तो आपसे पूछ रहा है सिक्स रेस्ट नंबर, क्या पूछ रहा है वो सिक्स रेस्ट नंबर, ठीक है, तो हम इस तरह फाइव कर सकते। देखिए आपको जिससे मान लो इसी जगह में कोई जैसे कोई कोई एग्जाम्पल दे दें, जैसे पूछ ले 1 और 2 के बीच रेस्ट नंबर बताइए, समझ गए आप, तो आप इस तरह एग्जाम्पल लेकर बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप और भी एग्जाम्पल लेकर दिखा सकते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपके पास 5 रेस्ट नंबर मिल गई, क्योंकि मिल गई है 5, जैसे ये 21 बाय 7 है 3 और 4 के बीच की, ठीक है, तो हमें 6 पूछी थी, 6 प्लस 1 7 हो गया, डिनोमिनेटर 7 बना दिया था इस तरह, तो ये आपका हो गया 21 बाय 7, ये आपका 4 था, इसको भी 7 बनाएंगे, तो 7 से इंटू करेंगे 28 बाय 7, तो आप बताएंगे इन दोनों के बीच के रेस्ट नंबर, तो 22 बाय 7, 23 बाय 7, 24 बाय 7 और 25 बाय 7 और 26 बाय 7, ये आपका मेरे भूल में 27 ये भूल रहे हैं, ठीक है, इसमें ये 28 बाय 7 वो मेरे भूल में किया, कि आपके 6 रेस्ट नंबर के बीच, ठीक है, ये 26, 27, 28 मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर लिया था, 28 लिख दिया भूल में, क्योंकि 27 में भूल चुका था लिखने में, हो जाता है एक बार सो पा रहा, ठीक है बच्चों, आप समझ गए 21 बाय 7 28 के बीच में, तो 22 बाय 7 23 बाय 7 24 बाय 7 25 बाय 7 26 बाय 7 27 बाय, ओके, अब 6 रेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6, तो आपकी ये 6 रेस्ट नंबर कौन सी हुई, एक लाइन और मैं बता दूं आपको लास्ट में कि आप देखिए, आप देखेंगे 3 एंड 4 बिटवीन 6 रेस्ट नंबर, 6 रेस्ट नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 22 बाय 7, 23 बाय 7, 24 बाय 7, 25 बाय 7, 26 बाय 7 और 27 बाय 7, ठीक है, ये आपका आंसर है, थैंक यू बच्चों।